एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सुनने में आ रही है, जिससे पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है कि पाकिस्तान में एक हिंदू डॉक्टर की सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी गई कि उसने होली खेली। कुछ बताएंगे इस बारे में, मतलब क्या है पूरी सच्चाई, क्योंकि मीडिया तो इसको बहुत ही खतरनाक तरीके से पेश कर रहा है। जी, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जो सिंध रियासत है, वहां से जी जी डॉक्टर धर्मदेव राठी, जो स्किन स्पेशलिस्ट थे, उनकी उनके ही ड्राइवर हनीफ लागेरी ने सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी कि उन्होंने होली खेली। ये जी भारत का मीडिया बता रहा है। अगर जी आप जी इंडियन मीडिया को देखोगे और जो भी इस पर कवरेज हुई है, तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आएगा कि एक हिंदू डॉक्टर को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई कि उन्होंने होली खेली। बहरहाल, ये बात कितनी सही है और कितनी इसमें सच्चाई है, ये तो जी यानी अगर आप गहराई से इस पूरी खबर को देखोगे और जहां ये वाकया घटा है, जहां ये घटना हुई है, तब आपको सच्चाई पता लगेगी। लेकिन जिस तरह से जो इंडियन मीडिया है इस खबर को पेश कर रहा है, उससे तो जी साफ तौर से यही लग रहा है कि उनको सिर्फ इसी वजह से मारा गया है कि उन्होंने होली खेली है। हालांकि अकली तौर से लेकिन सर ये बात तो कहीं समझ में नहीं बैठ रही ना कि इस वजह से एक इंसान को मार दिया जाए कि उसने होली के लिए। ये बात लॉजिकली तौर से भी किसी के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन पाकिस्तान में लाखों हिंदू रहते हैं, करोड़ों हिंदू बसते हैं, तो वो तमाम अपने जो त्योहार हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो सिर्फ इस वजह से उनको क्या मारा जा रहा है कि वो अपने त्योहारों को या होली को सेलिब्रेट कर रही हैं? तो इसके पीछे जो असल कारण है, असल वजह है, उसको छुपाया जा रहा है और इसमें धार्मिक एंगल देकर इस पूरे मामले को गरमाया जा रहा है, ताकि ये साबित किया जा सके कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी है, वो खतरे में है। बहरहाल, अगर किसी को सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया गया है कि होली खेलने की वजह से, तो ये तो सरासर गलत है। ये धर्म बिल्कुल की गलत तो बात बहुत ऊपर है, इंसानी एतबार से भी गलत है। कोई भी धर्म तो इसकी तालीम दे ही नहीं सकता। या फिर जो ड्राइवर है वो मेंटली तौर पर वो ठीक ना हो, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसको किसी भी धर्म से और मजहब से तो जोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन यही इंडियन मीडिया, जब हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती होती है, गाय के नाम पर उनकी जान ले ली जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, और जो आरोपी हैं उनके समर्थन में महापंचायत होती है, उनके समर्थन में प्रोटेस्ट होता है, और जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो यहाँ अल्पसंख्यक हैं, उनके कत्ल करने की, उनको मारने की, वो साफ तौर से उनको धमकी दी जाती है। जंतर मंतर जैसे, यानी सेंसिटिव जगह पर खुले आम जो हिंदू समाज को आह्वान किया जाता है कि आप इनको कब मारोगे, तब ये पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो इस पर खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो इसकी जो मुनाफिकत है और इसका जो डबल स्टैंडर्ड है, वो तो बार बार सामने आता रहा है कि इसका मकसद क्या है, ये किस खबर को हाईलाइट करता है और किस खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है और इसका जो एतबार है, वो तो बहुत पहले से खत्म हो चुका है।